हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी प्लस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर्मिकम ओसी क्रीम के बारे में। दोस्तों, इसके यूज़ के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसकी डोज के बारे में, कितने की ये क्रीम आती है, किस कंपनी की बनाई हुई है, क्या इसके अंदर कंटेंट डाला गया। दोस्तों, इस क्रीम से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलो हम बात करते हैं डर्मिकम ओसी क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये एल्केम कंपनी की बनाई हुई है। दोस्तों, अगर हम इसे कंटेंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्लोविटासोल प्रोपिनोट, नोमाइसिन सल्फेट एंड माइकोनोजोल दिया गया है। दोस्तों, क्लोविटासोल प्रोपिनोट ये एक स्टेरॉइड होता है, नोमाइसिन सल्फेट ये एंटीबायोटिक होता है, और माइकोनोजोल ये एक एंटी एलर्जिक होता है। तो दोस्तों, इस क्रीम का यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में। एलर्जी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, डर्माटाइट, एलर्जी, दांत खाज, खुजली, चेहरे पे दाग होना, कील, मुहासे, पिंपल्स होना, या फिर अगर आपकी स्किन में छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको खुजली लगती है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। जो इच एलर्जी, दाद वाली खुजली होना, यानी कि रिंग बॉर्म जैसी प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स में, आप इन सारी प्रॉब्लम्स में इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।